इसको बनाने के लिए इस सॉक्स को, सबसे पहले हमने ये सॉक्स यहाँ से स्टार्ट होता है बनना, ये तो मैंने बाद में फ्रेंड्स यहाँ पे लगाया हुआ है ये डोरी बना के क्रोसिया से, ये मैं आप लोग को बनाना बताऊँगी। तो ये पाँच, चार से पाँच नंबर के लिए मैंने बनाया है, आप और बड़ा बना सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत ये डिजाइन पहनने पे आती है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो यहाँ पे मैंने पिंक कलर, बेबी पिंक और ब्लैक कलर का यूज़ किया। आप दो कलर कोई सा भी ले सकते हैं, डार्क एंड लाइट कलर दो कलर लें। जिसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने, देखिए यहाँ पे फ्रेंड 30 फंदे लिए हुए हैं, देखिए यहाँ पे 30 फंदे से लेके फिर हम यहाँ पे चलिए लाइन काउंट करते हैं चार से पाँच नंबर के लिए। यहाँ पे हमने कितनी नीटिंग की है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 नीटिंग, यहाँ पे 27 लाइन हमने पूरी नीटिंग की है। देखिए फ्रेंड ये देखिए 27 लाइन ये हमारा बुनकर आना चाहिए, ये लाइन, ये देखिए जो हमारी लाइन है गार्टर स्टिच की। या तो अपना पैर लेना है, आप फिंगर तक ऐसे माप सकते हैं इसको, उसके बाद ये बनाए डिजाइन। तो इतना बनाने के बाद फ्रेंड्स अब हम यहाँ पे चार फंदे बढ़ाएंगे। तो फंदे हम कैसे यहाँ पे चार फंदे डालेंगे वो देख लीजिए, आप लोग केयरफुली देखिएगा फ्रेंड तभी समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखिए हम एक ऐसे फंदे आपने डालना है, दो तीन चार, चार फंदे हमने इस साइड डाल दिया। अब इन चारों फंदों को, सारे फंदे को हम देखिए इसको दोनों साइड से सीधा सीधा बना रहे हैं डिज़ाइन को। आप चाहें तो दोनों साइड से उल्टा उल्टा भी बना सकते हैं, लेकिन सीधा सीधा मैं यहाँ पे बना रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमारे टोटल फंदे हो गए 34, पहले का 30 था, अभी चार फंदे हमने बढ़ाया तो यहाँ पे 34 हो गया। तो देखिए इन चारों फंदों को हमने बुन लिया, बाकी के सारे फंदे को भी हमने सीधा सीधा बनाकर पूरी लाइन कंप्लीट करते हैं यहाँ तक। अब देखिए फ्रेंड्स हम यहाँ से बुनकर पूरी लाइन कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम पीछे की साइड आए, तो यहाँ पे भी हमने चार फंदे बढ़ाने हैं। देखिए एक, फिर हम फिंगर पे ले गए दो, फिर तीन और एक लास्ट चार, चार फंदे हमने इस साइड भी बुन लिया। इसको भी हम सारा बुनकर आगे की साइड आते हैं। देखिए फ्रेंड्स हमने यहाँ पे एक सिलाई बुनकर कंप्लीट कर ली है, फिर हम आगे की साइड से आ गए हैं। आगे साइड पे, आगे की तरफ से हम यहाँ पे ब्लैक कलर ऊन जोड़ेंगे, अब हमारा ये वाला पार्ट बनेगा। तो देखिए कितनी इजी है, आपने सिंपल से 30 फंदे लेने हैं, 30 से 35 भी फंदे ले सकते हैं। ये ऊन मेरा मोटा है फ्रेंड्स, अगर आपका पतला ऊन हो तो आप यहाँ पे 35 कर सकते हैं, अगर आप लोग का पंजा चौड़ा हो तो 35 आप यहाँ पे ले सकते हैं। अदरवाइज़ आप कमेंट में अपने पैर का साइज पूछ सकते हैं, फिर उसके बाद मैं सारा मेजरमेंट आप लोग को बता दूंगी फ्रेंड। तो अब हम ये वाला पार्ट हमारा देखिए कैसे बना है, यहाँ पे थोड़ा आपने केयर करना होगा। ये देखिए एज लाइक जूती की तरह जो आगे का पार्ट बना हुआ है, तो ये कैसे बना है, तो चलिए इसको हम बनाते हैं। तो इसके लिए हमने ब्लैक कलर ऊन जोड़ना है। ऊन जोड़ने के लिए सबसे पहले आपने देखिए मैजिक लूप लेना है, ना कोई आपने गांठ लगाना है। देखिए हम यहाँ पे मैजिक लूप ले लिए, ये देखिए ऊन हम कैसे जोड़ेंगे सेकंड कलर। तो आपने मैजिक लूप लेना है सबसे पहले, फिर हम ऊन को देखिए सिलाई को डालेंगे। इस मैजिक लूप से हमने देखिए बनाना है।